ये कहानी एक सुंदर से जंगल की है, जहाँ तरह तरह के पक्षी अपने अपने परिवार के साथ सुंदर घोंसले बनाकर रहा करते थे। इन्हीं पक्षियों में एक टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा नाम का जोड़ा भी रहा करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी कालू कौवे के पास आती है और कहती है, सुनिए कालू जी, देखिए ना, हमारे घोंसले में जल्दी एक नन्ना मेहमान आने वाला है। मैं तो सच में बहुत ही खुश हूँ। बस मन में एक ही डर लगा रहता है कि ना जाने बेटा होगा या बेटी। अगर बेटी हो गई तो हरी तोती और बबली कबूतरी तो ताने देकर मेरा जीना ही दुश्वार कर देंगी। मैं उन दोनों से कैसे नजरें मिला पाऊंगी। देखो टुनटुनी, तुम माँ बनने वाली हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ऐसी अशुभ बातें लेकर क्यों बैठ गई हो? अरे मेरा नाम कालू है, कालू, मेरे घर में बेटा ही पैदा होगा, मुझे तो पूरा यकीन है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा मनी मन शंका रखते हुए एक एक दिन करके अपने बच्चे के जन्म के इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अब तो टुनटुनियों कालू को हर पल बस अपने बेटे का इंतजार रहने लगता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी से उछलते हुए बोलती है, कालू जी, अरे कालू जी, जल्दी घर के अंदर आइए, देखिए लगता है हमारा बच्चा अंडे से बाहर आ रहा है। टुनटुनी की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से अंदर आ जाता है। टुनटुनी और कालू खुशी से अपने टूटते अंडे की ओर देखने लगते हैं। ये क्या टुनटुनी, हमारे अरमानों पे तो पानी ही फिर गया। हमें तो एक बेटे की चाह थी, और ये क्या, हमारे घर तो एक बेटी का जन्म हो गया। मेरा इतना बड़ा कारोबार है, रुपया है, पैसा है, जंगल के सभी पक्षी मेरा कितना आदर सम्मान करते हैं। मेरी बेटी के जन्म होने के बाद तो मैं किसी से नजर मिला के बात नहीं कर पाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपनी बेटी की जन्म से दुखी हो रहे होते हैं, तभी उनकी नन्ही सी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ पापा, मैं कितना उत्साहित थी कि आज मैं आप लोगों से मिलूंगी, अपनी माँ के गले लगकर उसे खूब प्यार करूंगी, लेकिन लगता है कि आप दोनों मुझे देखकर खुशी नहीं हुए। मैं अंडे के अंदर से भी आपकी बातें सुन रही थी। आप दोनों को मेरी नहीं, एक भाई की जरूरत थी ना। अपनी नन्ही सी बच्ची की मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपने व्यवहार के लिए बहुत पछतावा होता है। नहीं नहीं मेरी बच्ची, आप तो मम्मा की जान हो, बेटा हो या बेटी, मम्मा के लिए तो अपने बच्चे हमेशा ही स्पेशल होते हैं। बस पापा को मुझे लगता था कि शायद हमारे घर में बेटा आने वाला है, इसलिए हम लोग थोड़े परेशान हो गए थे। आप ये सब छोड़ो, आप इन बातों के लिए अभी बहुत छोटी हो। टुनटुनी अपनी बेटी को समझा बुझाकर बात बदल देती है, लेकिन कालू कौवा अपनी नन्ही बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और टुनटुनी चिड़िया इस बार फिर से दो अंडे दे देती है। देखो टुनटुनी, पहली बार में बेटी हो गई, मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन इस बार अगर बेटा ना हुआ तो हम कैसे मुंह दिखा पाएंगे पूरे जंगल में पक्षियों को, हमारी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी। अरे क्या फायदा इतने रुपया पैसे का, अगर हमारे वंश बढ़ाने वाले का ही जन्म ना हो। बेटा या बेटी तो ईश्वर की देन है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ जी। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तीनों बेटे ही पैदा कर देती। देखिए आपने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं किया, बेटे की आस पे जो ईश्वर ने हमें दिया है उसे क्यों ठुकरा रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया के समझाने का कालू पर कोई असर नहीं होता और इस बार भी अंडों से दो नन्ही चिड़िया का जन्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे कुछ पता चला, कालू कौवे के तो तीन तीन बेटियां पैदा हो गईं, अब इसकी अकड़ थोड़ी ढीली पड़ेगी। मैं तो उससे सीधे मुँह बात भी नहीं करने वाली, बहुत घमंड था टुनटुनी को अपने पति के पैसे व्यापार पर, अब क्या करेगी, अब तो तीन तीन बेटियां पैदा हो गई हैं। अरे अकेले ही सड़ना पड़ेगा इस घोंसले में जीवन भर, मेरे तो दो दो बेटे हैं, मैं तो अपनी बहू से खूब सेवा करवाऊंगी, मेरा जीवन तो भरपूर मजे में बीतने वाला है। सभी पक्षी टुनटुनियों कालू के घर बेटियों का जन्म का खूब मजाक बनाते हैं। उनके मजाक उड़ाने की आवाजें कालू के कानों में भी पड़ जाती हैं। देखो टुनटुनी, जिन पक्षियों की मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, वही पक्षी आज मेरा मजाक बना रहे हैं। ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के कारण ही संभव हुआ है। अब मैं तुम्हारी बेटियों को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, ये तीनों बच्चियां क्या आपकी नहीं है, और ये नन्ही जान का भला क्या कसूर है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मैंने कह दिया तो कह दिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इन तीनों को अपने घर से कहीं दूर छोड़कर चली आओ, नहीं तो समझ लो बेटियां पैदा करने वाली पत्नी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कैसे बाप है आप, अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो
अपनी बेटी को यूं ही जंगल में मरने के लिए छोड़ देंगे? आप इस घर में जगह दें या ना दें, मैं अपनी बेटियों को लेकर इस घर से जा रही हूँ। आज के बाद हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बच्चियों को लेकर कालू का बड़ा सा घर छोड़कर चली जाती है। इधर कालू कौवा टुनटुनी के जाने के बाद दूसरी शादी कर लेता है और उधर बेचारे टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों नन्ही बच्चियों के लिए बहुत मेहनत से कच्चा पक्का सा घोंसला बनाती है और उनका पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करती है। बेटा, आप तीनों मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर हो। आपकी मम्मा से जितना भी बन पड़ेगा मैं आपके लिए जरूर करूंगी। बस आप तीनों जल्दी से बड़ी होकर मम्मा के सपने पूरे कर दो। टुनटुनी की बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का काम में भी हाथ बटाने लगती है। अब धीरे धीरे टुनटुनी के जीवन में खुशियां आने लगती हैं। एक दिन बुलबुल चिड़िया और टूनी चिड़िया स्कर घर लौट रही होती है कि तभी उनकी नज़र एक बूढ़े और कमजोर से दिखने वाले पक्षी पर पड़ती है। बुलबुल और टूनी चिड़िया उड़कर उस पक्षी के पास जाती हैं। अरे काका, कौन है आप? आपको तो तेज बुखार है, ऐसी हालत में आप यहाँ पेड़ के नीचे अकेले क्यों बैठे हैं? आपका घर कहाँ है? कौन कौन है आपके परिवार में, मुझे बताइए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बीमार था इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आप रोइए नहीं काका, मेरे साथ चलिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। मेरे घर में मेरी माँ और बहनें भी हैं, हम आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। बुलबुल और टूनी चिड़िया उस बूढ़े कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अरे बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिले और तूने घर क्यों लेकर आई है? माँ, ये काका बहुत बीमार हैं, इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। आप ही तो कहती हैं कि जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए, और ये तो मेरे पिता की उम्र के हैं, इन्हें ऐसे ही जंगल में छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं इन्हें अपने घर ले आई। ये तुम्हारे पिता जैसे नहीं, तुम्हारे पिता ही हैं, जिन्होंने बरसों पहले हम चारों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का अपमान किया, इसलिए ही मेरी ऐसी हालत हुई है। तुम्हें घर से निकालने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी, फिर मुझे दूसरी पत्नी से दो बेटे हुए, लेकिन उन तीनों माँ बेटों ने मेरा कभी सम्मान नहीं किया और मेरा घर कारोबार सब हत्या लिया, और जब मैं बीमार हुआ तो मुझे मरने के लिए जंगल में फेंक दिया। मुझे अपने किए हुए पर बहुत दुख है टुनटुनी, चाहो तो तुम अभी मुझे घर से निकाल दो, लेकिन हो सके तो मेरे कर्म के लिए माफ़ी दे दो, अब मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, हम तीनों बहनें आपकी सेवा करेंगे, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, हमारा अधूरा परिवार पूरा हो जाएगा, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे, चाहे जो भी हुआ हो आप हमारे पिता हैं। जब मेरी बेटियों ने आपको कर दिया तो मैं भी आपको माफ कर देती हूँ। आज मेरी बेटियों ने साबित कर दिया कि तीन बेटियों की माँ होना कोई अभिशाप नहीं, वरदान है वरदान। और फिर वो सब लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। शिमला के जंगल में चमेली कौवी अपने पति कड़कनाथ और बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। चमेली कौवी का पति टैक्सी चलाता था। एक दिन उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और चमेली के पति की मौत हो जाती है। कड़कनाथ की मौत के बाद चमेली कौवी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तब उसने अपने बेटे कालू कौवे को एक होटल में नौकरी दिलवा दी। इस तरह कई साल गुजर गए, अब कालू कौवा बड़ा हो चुका था। एक दिन चमेली कौवी भोजन देती हुई कहती है, बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिंदगी कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं, मुझे रात दिन तेरी चिंता सताती रहती है, मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें तो अभी बहुत जीना है। वो सब तो ठीक है बेटा, मैं सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ, बहू घर में आ जाएगी तो मेरा भी बोझ कम हो जाएगा, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दूँ। माँ, तुमने मेरी शादी करने का मन बना ही लिया है, तुम्हें मना करने वाला कौन होता हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। अगले दिन चमेली कौवी हरी तोती के पास जाती है। क्या बात है चमेली भाभी, आज मेरे घर आना कैसे हुआ?
क्या बताऊं बहन, अपने कालू के लिए मैं एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूं। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताओ। ये बात आपने बहुत अच्छी कही भाभी। ये देखो, कल ही एक चिड़िया की फोटो आई है, टुनटुनी नाम है। इसके साथ तुम्हारे बेटे की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बस एक ही कमी है, तुम्हें दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। हरी तोती, मुझे अपने बेटे का घर बसाना है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और अपने सास और पति की सेवा में सारा समय लगा देती है। बहू, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया कर, दिन भर मेरी और कालू की सेवा करती रहती है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है, टुनटुनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। घर में खुशियों का माहौल था, अचानक एक दिन कालू के होटल का मालिक होटल को बंद कर देता है। अब क्या होगा माँ, घर का खर्च कैसे चलेगा, मैं अपनी इस नन्ही सी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूँगा। आप इतना मत घबराइए जी, इतना घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा। हिम्मत रखिए, जल्द ही आपको कोई नया काम मिल जाएगा। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है, तू इतना मत घबरा, हम सब तेरे साथ हैं। अगले दिन से कालू कौवा नए काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। एक महीना गुजर जाता है, घर के सारे पैसे खत्म होने वाले थे। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, अब से तुम्हें काम की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। तू पागल हो गई है क्या बहू, तुझे पता भी है ढाबा खोलने के लिए हमें एक दुकान किराए पर लेना होगा और अपने पास इतना पैसा भी नहीं है। अरे माँ जी, ढाबा खोलने के लिए दुकान की कोई जरूरत नहीं, ससुर जी की टैक्सी है ना, बहुत दिनों से गोदाम में पड़ी है। कालू जी आप जाइए और जाकर उसकी मरम्मत करवा कर ले आइए, हम लोग टैक्सी में ढाबा खोलेंगे और जंगल में घूम घूम कर अपना बनाया हुआ भोजन सस्ते दाम पर जंगल की पक्षियों को खिलाएंगे। अब कालू कौवे के टैक्सी ढाबे को देखकर कुछ पक्षी उसके ढाबे पर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा मिलकर बड़े प्यार से अपने टैक्सी ढाबा का बना हुआ भोजन उन पक्षियों को खिलाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर अपना ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे।